जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ठोस अवस्था का दूसरा पार्ट लेकर आए। क्रिस्टलीय आकृष्टीय ठोसों के बारे में मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़ा क्रिस्टलीय ठोस पर, इनके टाइप पर, कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। तो आप थोड़ा ध्यान देने वाली बात करो, हम आपको बताएं कि क्रिस्टलीय ठोस के टाइप कौन कौन से हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को यदि वर्गीकृत करें या क्रिस्टलीय ठोसों को बांटें, तो प्रथम देखें तो होता है आणविक ठोस होता है, ठीक है, आणविक ठोस, ठीक। दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस, थर्ड होता है आयनिक ठोस, और एक पार्ट होता है धात्विक ठोस। मैं आपको पुनः बात कर दूं कि यह ठोस अवस्था का दूसरा पार्ट है। प्रथम पार्ट में हमने आपको क्रिस्टलीय और अकृष्टलीय ठोस के बारे में जानकारी दी थी। यहां पर केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात हो रही है। तो मैंने बताया क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस की यदि बात करें तो ये चार टाइप के हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, ये चार टाइप के ठोसों के प्रकार होते हैं। यदि देखा जाए तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको बोला जाता है कोवेलेंट सॉलिड, इसको बोला जाता है आयनिक सॉलिड, और इसको बोलता है मेटेलिक सॉलिड। ये चार टाइप के क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब आपको बात कर दूं सबसे पहले धात्विक ठोस कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक मतलब धात्विक ठोस हो या आयनिक ठोस हो या आणविक ठोस हो या सहसंयोजक ठोस हो, कोई भी ठोस हो, इनके घटक जैसे कि अणु, परमाणु अथवा आयन, चाहे ये हो चाहे ये चाहे चाहे कोई भी हो, इनके घटक अर्थात अणु, परमाणु अथवा आयन सभी के सभी पर बात होती है। जैसे हमने बात की धात्विक ठोस, तो हम कहते हैं कि धात्विक ठोस वे ठोस हैं जिनके घटक अर्थात अणु, परमाणु या आयन धातु होती है। कैसे होती है? धातु होती है, मतलब जिनके घटकों में जिनका जिन ठोसों का निर्माण धातुओं से हुआ हो वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करना तो कॉपर है, जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, इन सभी के ठोस अपने धात्विक ठोस कहलाते हैं, ध्यान में रखना। अगर हम बात करें आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में होता क्या है कि इनके घटक कवच आयनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे हमने कह दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हमने कह दिया CaFe, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि हमने कह दिया जिंक सल्फाइड ETC, कोई भी ऐसा हो जिनके घटक कण आयनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं, और जिनके घटक कण धात्विक होते हैं या धातुओं से मिलकर बने उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। इसी प्रकार बात है सहसंयोजक ठोस, तो जिनके घटक कण या जिन ठोसों के जो घटक कण अर्थात जो अणु परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हों उन्हीं को कहा जाता है सहसंयोजक ठोस। हमेशा बात को ध्यान देना, सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जिन ठोसों का निर्माण सहसंयोजक बंधों के द्वारा हुआ है उन्हें हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। बात समझ आ रही? जैसे कि सहसंयोजक ठोस में आपका ग्रेफाइट भी आता है, क्या आता है? ग्रेफाइट, हीरा भी आता है आपका, ये सब क्या है? सहसंयोजक बंध के कारण।
और सह संयोजक बंध को एक नाम कहा जाता है जिसे बोलते हैं नेटवर्क फोर्स। क्या बोलता है इसको? नेटवर्क फोर्स भी कहा जाता है। किसको? सह संयोजक बंध को। मैंने कहा सह संयोजक फोर्स क्या है? सह संयोजक फोर्स वे फोर्स होते हैं जिनके घटक कण सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, सह संयोजक फोर्स कहलाते हैं। और ये आपस में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक बहुत बड़ा परमाणु का जाल का निर्माण कर देते हैं। ये संयोजक बंध के द्वारा इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक बड़ा परमाणु का या परमाणु जाल का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परमाणविक जालक का निर्माण। और परमाणु जालक का निर्माण करने के कारण इनको कहा जाता है नेटवर्क फोर्स। कितना कनेक्शन हो जाता है इनका? तो आपने संयोजक आयनिक धातु छोड़ देखा, इसी आधार पर आपकी बात करें आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस तीन टाइप के हो जाते हैं। ये बोलता है आध्रुवीय, नॉन पोलर। एक होता है ध्रुवीय जिसे हम बोलते हैं ओनली पोलर, और एक होता है आपका हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये तीन टाइप का ठोस होता है, मतलब मॉलिकुलर ठोस होता है ये तीन टाइप का। अगर पूछा जाए कि आणविक ठोस है क्या, तो आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके घटक कण अणु होते हैं। क्योंकि आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने कहा ठोस का मतलब है कि जिसका निर्माण किन चीजों से हुआ है, तो जिनका निर्माण अणुओं से हुआ वो आणविक ठोस है, जिनका निर्माण संयोजक बंधों के द्वारा हुआ वो संयोजक ठोस, और जिनका निर्माण आयनों से हुआ आणविक ठोस, और जिनका निर्माण धातुओं से हुआ वो धातुक ठोस। तो आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस आपके आध्रुवीय भी होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, और हाइड्रोजन बंधित होते हैं। आध्रुवीय बोले तो नॉन पोलर, और ध्रुवीय बोले तो पोलर, और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो अगर हम आध्रुवीय नॉन पोलर की बात करें तो आध्रुवीय ऐसे ठोस होते हैं जिनका जिनमें या जिनकी अणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम हो, वे सभी आध्रुवीय कहलाते हैं। मतलब जिनमें कोई पोलर ही ना हो, नॉन पोलर। जैसे कि आपकी बात कर दी आयोडीन आई टू, ठीक। जैसे कि बात कर दी आर्गन, गैसे हैं ये गैसे, बट इनका हमें कौन सा स्टेट लेना है? सॉलिड स्टेट की बात हो इसकी। आध्रुवी कौन सा होगा? आयोडीन होगा, आर्गन होगा। इस सभी क्या होंगे? आध्रुवी। हम तो कहते Cl2, पर Cl2 क्लोरीन गैस है, बट इनकी हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट की बात कर, जब ठोस के रूप में तब वो आध्रुवी ठोस कहलाते हैं, और आध्रुवी में कौन सा? आणविक कहलाते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय की बात करें हम, तो ध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें हम पोलर बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई भी ऐसा ध्रुवीय में आपका, जैसे कि आपका SO2 हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका HCl हुआ गैस भी है, बट इनका कौन सा फॉर्म लेना है? सॉलिड फॉर्म की बात कर रहा हूं। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं जब ये ध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। HCl गैस है, लिक्विड के रूप में भी होती है लेबोरेटरी में, तो HCl कुछ किस अवस्था में ठोस कहलाएगी? मतलब HCl गैस होने के बाद जब ये ठोस अवस्था में होगी तब यह ध्रुवीय ठोस की बात होगी। और हाइड्रोजन बंधित ठोस का मतलब है जैसे कि जिनका निर्माण हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होगा, जैसे कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O ये दोनों उदाहरण किस चीज के हैं? ये दोनों उदाहरण आपके हाइड्रोजन बंधित हैं। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जहां पर क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो वहां पर हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये आपका लेक्चर था, मतलब बात की क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पर, कि क्रिस्टलीय ठोस कितने टाइप के होते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, दोबारा बात कर दूं। क्रिस्टलीय ठोस की बात कर दूं तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस कहलाते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, विषम जैसे प्रकृति के होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। ऐसे कई प्रकार हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको अवश्य देखें। फिर इसके बाद अगले लेक्चर पर चलें।
कृत्रिम ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक आयन, धात्विक ठोस, इनको आप रिवाइज कीजिए मैं करो, और अगर स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रीडर लिख लीजिए अब मैं डाला हूँ आपको। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक वाहिका कोशिका। यह हेडिंग समय बचाने के लिए आप जो लोग जब तक लिखते हैं तब तक इरेज किया जाता है, तब तक के लिए क्रिस्टल जालक वाहिका कोशिका कहलाती क्या है। तो आपको बता दूं क्रिस्टल लैटिस अर्थात क्रिस्टल जालक क्या है। तो आप छोटी सी बात जानिए कि जो आपका ठोस होता है उस ठोस में या उस ठोस को जब 3D अवस्था में हम देखते हैं और 3D अवस्था में जो आपका अणु हो या परमाणु हो जिस क्रम में व्यवस्थित होता है वही कहता है क्रिस्टल जालक। मेरा कहने का मतलब है कि ठोस को 3D में अरेंजमेंट करना है, मतलब ठोस को 3D में व्यवस्थित, ठोस को 3D में क्या करना या ठोस को 3D में व्यवस्थित करना। अब लेकिन ठोस को तो व्यवस्थित करेंगे नहीं, ठोस से किसको करेंगे, ठोस के अणु, ठोस के परमाणु। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर क्वेश्चन पूछे क्रिस्टल जालक है क्या, तो मैंने कहा कि जो ठोस होगा उनके अणु या उनके परमाणु को 3D में 3D में व्यवस्थित करना ही कहलाता है क्रिस्टल जालक। सीधी बात है कि ठोसों में अणु परमाणु अथवा आयन को व्यवस्थित करना ही, ये जो व्यवस्थित होने की प्रक्रिया होती है वही कहलाती है क्रिस्टल जालक। मैं अभी आगे बात करूंगा क्रिस्टल जालक के टाइप पर। तो क्रिस्टल जालक का मतलब होता है जैसे कि हम आपको कॉमन से देखना ये आकर ये स्ट्रक्चर लिया थोड़ा सा ठीक। क्रिस्टल जालक के निर्माण की बात कर रहा हूं ना, ये लिया आपने बचपन में बहुत बनाए हैं ठीक। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर एक कॉर्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये 8 कॉर्बन है। ये जो बिंदु है इन्हें को बोला जाता है जालक बिंदु। क्या बोलते हैं जालक बिंदु, जालक बिंदु क्रिस्टल पॉइंट होते हैं। और ये संपूर्ण व्यवस्थित प्रक्रिया है इसी को बोला जाता है क्रिस्टल जालक कहते हैं। सो क्या कहा जाता है क्रिस्टल जालक। इतना मतलब मेरे को मतलब है कि मैंने कहा क्रिस्टल जालक क्या है, ये समझ लीजिए ठोस होगा, घन है आपका तो ये ठोस होगा, इस ठोस में जो अणु था जी अणु है या मान लीजिए परमाणु है इनको ही व्यवस्थित किया ना मैंने, तो इन्हीं को व्यवस्थित करना कहलाता है क्रिस्टल जालक। मतलब किसी भी ठोस में अणु परमाणु अथवा आयन को व्यवस्थित करना ही कहलाता है क्रिस्टल जालक। और जो यहां दी लकड़ी है इनको बोलते हैं जालक बिंदु, क्रिस्टल या लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये पूरा कहलाता है क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक का निर्माण हमेशा जालक बिंदुओं अर्थात परमाणु अथवा आयन की 3D रूप में व्यवस्थित करने से होता है। क्रिस्टल जालक 7 टाइप के होते हैं। क्रिस्टल जालक का जो प्रकार होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन 7 प्रकार क्रिस्टल जालक का की बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा, पर अभी मैं जो हेडिंग आपकी डाली उसकी बात करूंगा। अब बात करता हूं एकक कोशिका, इस पर क्वेश्चन है ना, एकक कोशिका क्या है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि एकक कोशिका क्या है। कि जैसे कि आपकी दीवार होती है, हम थोड़ा बता रहा हूं समझने का प्रयास करना। सपोज दैट ये एक आपकी दीवार है, ध्यान देना आपकी एक दीवार है। अब दीवार में किसी भी हिस्से को आप पकड़ लेंगे, एक हिस्से को, ये आपका जो हिस्सा है इस हिस्से की अगर बात करें हम तो इसी को हम कह सकते हैं एकक कोशिका। किसी क्या कह सकते हैं इसको एकक कोशिका। जो घर का मकान होता है यदि उस मकान की किसी एक ईंट को उठा लें
उस मकान की दीवार की एक ईंट को आप ले रहे हैं तो वह एक ईंट ही उसकी कहलाती है एक कोष्ठिका। गया मतलब किसी एक मकान की दीवार की एक ईंट को देखें तो कहलाती है अपनी एक कोष्ठिका। तो आपस में एक कोष्ठिका, लेकिन अभी डिफाइन कैसे करेंगे कोष्ठिका? मैं कह रहा हूं कि इस ईंट को आपने यहां भी दोहराया, यहां भी दोहराया, यहां भी दोहराया, यहां भी दोहराया, यहां भी, यहां भी, यहां आपने पूरे मकान की एक दीवार में ईंट को, इस पत्थर को बार बार दोहराया, वही कहलाती है एकल कोष्ठिका। मतलब किसी क्रिस्टल चालक की वही न्यूनतम इकाई जिसको बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं एकल कोष्ठिका। यहां पर से लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं क्रिस्टल चालक, क्रिस्टल चालक की वह न्यूनतम इकाई, क्रिस्टल चालक की वह न्यूनतम इकाई जिसे बार बार दोहराने पर, जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, निर्माण होता है उसी कहते हैं उसे एकक कोष्ठिका, उसे एकक कोष्ठिका या इकाई से कहते हैं। बस समझ में आई? जिस प्रकार एक दीवार होती है उस दीवार की ईंट को आप यहाँ भी दोहराते हैं, यहाँ भी दोहराते हैं, दीवार का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार क्रिस्टल जालक का निर्माण इसी प्रकार होता है। ये जो आप क्रिस्टल जालक का है इक्वल एक ठोस का एक थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको पता है थ्री डी स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पर हाइब्रिड पर संभव नहीं है कि मैं कर सकूँ। इस स्ट्रक्चर को आप देखें कि इससे ऐसे ऐसे कई पार्ट होते हैं, उसी एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो मैंने वही कहा कि क्रिस्टल जालक की वह न्यूनतम इकाई जिसे आप बार बार दोहराएंगे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा, उसी को बोला जाता है यूनिट सेल या एकल कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक आपने पढ़ा, क्रिस्टल जालक किसका टाइप का होता है, सात प्रकार का होता है। मैं बता रहा आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा विचित्रित के साथ आपको सब लेते हैं। घनी होता है, द्विसम लंबाक्ष होता है, विषम लंबाक्ष होता है, एक नताक्ष होता है, त्रिसम नताक्ष होता है, ये टाइप होते हैं जो क्रिस्टल है। उसकी बात बता दूंगा। तो आपने देखा एक कोष्ठिका कैसे कहते हैं, एक कोष्ठिका समझ में आ चुकी आपको। अब एक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक के बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक में जो आपके एक कोष्ठिका जो होती है उनकी पैरामीटर के बारे में। तो ध्यान देना, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना। देखिए अब मैं बात कर कुछ यहां पर है डाला हूं एक अर्थ है कोष्ठिका के पैरामीटर की। आपको ये नीट जेई और कॉमन सी आपके यूपी बोर्ड में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर मैं आपको सब तरीके से बात कर रहा हूं। मैंने हैंड डाली एक अर्थ कोष्ठिका के पैरामीटर कि मतलब एक अर्थ कोष्ठिका है उनकी पैरामीटर कितना होता है। तो आप यहां एक चीज सब ले दीजिए, मैं कहता हूँ पैरामीटर की जो संख्या होती है वो टोटल संख्या 6 होती है। पैरामीटर की संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या 6 होती है। अब 6 कौन कौन सी होती है मैं थोड़ा बात करता हूँ। एक एक तीन होती है एकक कोष्ठिका की लंबाई, ठीक, और कुछ होती है कोण एंगल। अब कोण एंगल क्या है तो मैं बात सुनो, एक कुछ लंबाई कौन कौन सी, लंबाई होती है ए कॉमा बी कॉमा सी। कोण कौन कौन सी होती है एंगल अल्फा कॉमा बीटा एंड कॉमा, मैं भी आपको यहां बता रहा हूं ऊपर। अभी केवल कॉमा से समझ लीजिए, एक कोष्ठिका की पैरामीटर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 6। कौन कौन होते हैं, कोण की लंबाई ए बी सी, और तीन होते हैं कोण अल्फा बीटा एंड गामा। अब थोड़ा यहां ध्यान रखना ऊपर थोड़ी सी बात यहां बात करता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये घन है, ठीक, ये घन है आपका, ठीक। अब इसको हम इसी इस इकाई को हमने थोड़ा बढ़ाया, इसी प्रकार हमने इसको बढ़ाया,
इसी प्रकार हमने इसको बनाया। हमने कहा कि एक्स अक्ष हमारा, ये हमारा होगा यक्ष एंड जेड अक्ष। इस कोर्स से जब कि इसकी लंबाई होगी पी, इसकी लंबाई होगी पी एंड इसकी लंबाई होगी सी। आपको ध्यान से देखना ए और बी और सी, देखो इसकी मान लिया हमने ए, इसकी मान ली बी एंड इसकी मान ली हमने सी। तीन लंबाई आपके सामने लगे एक्स अक्ष वाई अक्ष एंड जेड अक्ष, इसकी हुई ए लंबाई, इसकी हुई बी। तो ये तीन जो लंबाई का है इसी लिखा कि कोस की लंबाई ए बी और सी, तीन पैरामीटर होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ बनता है कोण अल्फा, यहाँ बनता है कोण बीटा और यहाँ बनता है कोण गामा। मतलब आपका जो चक्कर चलेगा वो ऐसा चलता है डायग्राम इस तरह का। आपको ये खुद ध्यान देना होगा कि अल्फा कहाँ बनेगा, अल्फा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बी और सी लंबाई के बीच कौन सा कोण बनता है, तो अल्फा। उस क्वेश्चन में आता है कि ए और सी के मध्य कोण, तो बीटा, और ए और बी के मध्य तो गामा। ये आपको खुद ध्यान देना होगा। इन्हीं के आधार पर टोटल संख्या आपकी पैरामीटर की सिक्स होती है। हमने आपको बताया कि आपको यह चल रहा होगा अल्फा बीटा गामा ऐसा, और फिर क्या चल रहा होगा इसी को बोलता है आपको क्या एक फोर्स करके पैरामीटर की संख्या। आप इसको देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए। तो हमने आपको बताया कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो हमने कहा कि क्रिस्टल जालक का मतलब है कि 3D में ठोसों को, ठोस के अणु परमाणु को व्यवस्थित करना क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसी क्रिस्टल जालक में कि जो छोटी छोटी इकाई होती है उस इकाई को आप बार बार दोहराएं बार बार, तो इसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसे हम एकल कोशिका कहते हैं, जिस प्रकार दीवार का सर्वधान जो है। एकल कोशिका की पैरामीटर संख्या 6 होती है, 3 होती है आपकी लंबाइयां ए बी और सी, और 3 होती है आपके कोण अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे एकल कोशिका के प्रकार पर। तो एकल कोशिका के प्रकार कितने प्रकार टाइप होते हैं, इसको लिखिए आप लोग। देखिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, एकल कोशिका के प्रकार की बात करेंगे हम। ठीक है, एकल कोशिका के प्रकार की बात करें तो आप छोटी सी बात समझिए। फर्स्ट टाइप होता है इसका, एकल कोशिका कितने प्रकार की होती है, एक होती है आर, या इसी को बोलते हैं सरल एकक कोशिका, एक टाइप ही होता है इसका। ठीक, दूसरी एकल कोशिका होती है आपकी अंतः या काय केंद्रित एकल कोशिका, एकल कोशिका दूसरा होता। तीसरे की बात करें हम तो होता है फलक केंद्रित एकल कोशिका। ठीक, और फोर्थ की बात करें हम तो होती है अंत्य एकक या अंत्य केंद्र होगा, अंत्य केंद्र एकक कोशिका। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि एकक कोशिका के प्रकार टाइप ऑफ यूनिट्स है तो है आर, जिस सिंपल बोला जाता है अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत केंद्रित एकक कोशिका। अब इन चारों के बारे में आप थोड़ा भारी ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम एक नॉन भाषा में बोलते हैं एस सी, सिंपल क्यूबिक। अंतःकाय केंद्रित बोलते हैं बी सी सी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। बी से बॉडी का मतलब है काय, सेंट्रल का मतलब है केंद्र, एकक कोशिका मतलब जालक के रूप में मान लेते हैं। फलक को बोलते हैं एफ सी सी, फेस सेंट्रल क्यूबिक। अंत केंद्रित का होता है मतलब ई सी सी, एंड सेंट्रल क्यूबिक। अभी इनको सबको लिखवाऊंगा सिस्टम से तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। धन्यवाद। पहले तो मैं यहां बात करूंगा सरल की, यहां बात करूं सरल। तो सरल एकक कोशिका क्या है तो आप ध्यान देना, मैं एक घर बना रहा हूं जिससे आपको समझाने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े और ना आपको समझने में कोई दिक्कत पड़े। या तो बचपन से बनाते आए हैं इसको, इस सरल के लिए बनाए,
इसी प्रकार बात करूंगा काय केंद्रित की, काय केंद्रित की, तो काय केंद्र लिखिए, धन मैंने बनाया आपको इसी प्रकार समझा रहा हूं अभी बड़े तरीके से होता क्या है सर, ये काय केंद्रित हो चुका है। इसके बाद आइए फलक केंद्र की, फलक केंद्र फिर सेंटर की वृत्ति क्या होगा देखिए आप, इसी प्रकार आपका होता है पीसीसी अंत केंद्र की, अंत केंद्र कैसा होगा यहाँ पर जिस सरल कार और फलक बोला जाता है इन चार टाइप में, तो सबसे पहले आप बात कर लीजिए सरल की, कि सरल क्यूबिक क्या है या सिंपल क्यूबिक किसे कहते हैं, तो आप कॉमन सी बात जाने सरल क्यूबिक का मैं होता क्या है कि आप देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कोने जो आठ कॉर्नर होंगे आपके, इन आठ कॉर्नर पर आठ चालक बिंदु स्थित होते हैं, इन आठ चालक बिंदु जो आपके हैं जो सरल एकक कोशिका या सिंपल क्यूबिक है, वो सिंपल क्यूबिक में यही क्या होती है कि घन के आठ कोणों पर आठ जालक बिंदु स्थित होते हैं, अर्थात टोटल लैटिस पॉइंट की बात करें, टोटल लैटिस पॉइंट की बात करें तो यहां पर होती है आठ। अगर आपसे कोई पूछे कि सरल घनीय जालक क्या है या आठ एकल कोशिका किसे कहते हैं, तो आप कॉमन सी परिभाषा देंगे कि ऐसा जालक जिसके आठ कोणों पर आठ जालक बिंदु होते हैं उन्हें हम सरल कहते हैं। जैसे कि इसमें हमें पता है कि इसमें लैटिस पॉइंट जो होते हैं उनकी टोटल संख्या आती आठ होती है। इसी प्रकार यह लिखा काय केंद्रित, सेकंड वाला काय केंद्रित, तो पहले तो आप ये हमेशा ध्यान रखना है कि आठ जालक बिंदु आठ कोणों पर होंगे, इसी प्रकार इस प्रकार मैं लिख रहा हूं आपके सामने आठ जालक बिंदु आठ कोणों पर होंगे। और बात कहा है काय केंद्रित मतलब जो बॉडी है जो दीवार है उस पर भी क्या होंगे, होते क्या हुआ अंत या काय केंद्र, जो काया है उसकी क्या होगा अंत होगा। अब आपको यह ध्यान देना कि यहां बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक बीसीसी, तो बॉडी के केंद्र में होगा अर्थात जब पूरी बॉडी है इसका केंद्र क्या होगा ये वाला होगा, तो लेटेस्ट पॉइंट की संख्या क्या कितनी हुई, यहां लेटेस्ट पॉइंट की संख्या यहां पर कितनी हुई 9, टोटल संख्या कितनी लेटेस्ट पॉइंट संख्या 9। तो आप कहेंगे काय केंद्र या बीसी पूछे तो आठ जालक बिंदु आठ कोणों पर तथा एक केंद्र में होगा उसी को बोलते हैं काय केंद्र या अंत या काय केंद्र या बीसी से चालक। इसी अगर फलक केंद्र की बात करें तो वही फिर क्या कि आठ जालक बिंदु आठ कोणों पर होंगे, आठ जालक बिंदु कहा होंगे आठ कोणों पर, तो ध्यान देना आठ जालक बिंदु आपके आठ कोणों पर होंगे, फलक केंद्र का मतलब अर्थात फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी जालक, तो आठ जालक बिंदु आठ कोणों पर होंगे, आपने कहा फलक, फलक बोलो तो फेस, अब फेस क्या है मतलब प्रत्येक दीवार की बात करता है, तो मतलब एक दीवार ऊपर की जीवी तो एक फलक ही हो गया, एक दीवार नीचे की हुई वाली तो एक फलक ही हो गया, एक दीवार आपकी ये हुई तो एक दीवार एक दीवार ये हुई। अब जिस छत और जिस पर हम खड़े होते हैं दो दीवार में आमने सामने जाएंगे तो दो फलक ही आती है, तो टोटल संख्या फलक के रूप में होता क्या है कि लेटेस्ट जो पॉइंट होता है आपका कि लेटेस्ट पॉइंट की संख्या यहाँ पर आपकी टोटल कितनी होती है, कितनी होती आठ छह चौदह होती है। इस बात को हम ध्यान दें मतलब आठ कोणों पर आठ जालक बिंदु तथा सिक्स फलक पर होते हैं, इसी को बोलते हैं फलक केंद्र घनीय जालक। इनमें जालक बिंदु लेटेस्ट पॉइंट का मतलब है जालक बिंदु, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कोई बच्चा परेशान ना हो जालक बिंदु। इसी प्रकार अंत केंद्र क्या है, अंत केंद्र में होता क्या है कि जैसे कि ये सपोज घन है आपका, ये बना आपका घन, इसमें क्या फिर क्या हुई थी आठ जालक बिंदु आपके आठ कोणों पर ही होंगे और आठ जालक बिंदु के साथ साथ जहां सब जब उसने कहा है कि अंत की बात करता है तो अंत एंड पॉइंट की बात करो तो केवल केवल अंत में होगा क्या, यहां पर जिस प्रकार सिंपल क्यूबिक में
आठ जालक बिंदु आठ कोणों पर थे। काय केंद्रित में आठ जालक बिंदु आठ कोणों के साथ साथ एक केंद्र में था, काय में था, बॉडी में। और फलक केंद्र में क्या हुआ कि आठ जालक बिंदु आठ कोणों के साथ साथ सिक्स फलक पर थे, इससे टोटल जालक बिंदु संख्या 14। और अंत केंद्रित में ही प्रक्रिया होती है कि आठ जालक बिंदु आठ कोणों के साथ साथ दो समांतर क्रम में उपस्थित होते हैं, मतलब आमने सामने की दीवार या ऊपर नीचे की दीवार या हम जहां खड़े हैं या ऊपर दो तक संख्या में, अर्थात आप यहां ले कहीं भी आप करें, अर्थात यहां पर लैटिस पॉइंट की संख्या टोटल 10 होती है। ठीक, तो ये थी आपके एकक कोष्ठका के प्रकार था कि एकक कोष्ठका कितने टाइप की होती है। तो आपने पूरा एकक कोष्ठका का व्यू लिया, यदि फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो इसके पास जो नेक्स्ट लेक्चर आना है उस लेक्चर में हम इसकी दोबारा बात करेंगे और संपूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे, अर्थात एकक कोष्ठका परमाणु संख्या ज्ञात करना और क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी बात करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यही टाइप आपको बताएगा कि एकक कोष्ठका में परमाणु संख्या कितनी। आपने अभी देखा कि एकक कोष्ठका सरल में देखा कि आठ जालक बिंदु है, इसमें देखा कि 9 है, इसमें देखा कि 14 है, इसमें देखा कि 10 है। लेकिन अब इस अंत केंद्र में या ईसीसी में या एलसीसी में या बीसीसी में या एससी में परमाणु की संख्या कितने योगदान देती है, मतलब इसका निर्माण एलसीसी के निर्माण में कितने परमाणु योगदान दे रहे हैं इसका निर्माण। नेक्स्ट कक्षा में हम बात करेंगे। धन्यवाद।